हाँ जी सत श्रीकाल जी, स्वागत है तुहाडा चैनल दे उपर। अज तरीक 29 अप्रैल, मैं गुरविंदर सिंह, तुसी सुन रहे हो इटली ते देश दुनिया की खबर पंजाबी दे विच। पहली खबर इटली तो ही है, डोमेनिको आर्कुरी जो कि उत्पादन गतिविधियां दे कमिश्नर है उत्थे इटली दे, उन्होंने अपने एक वीडियो विच बयान दिता कि जिहड़े मास्क है मास्क बारे दसदे उन्होंने कहा कि इटली दीआं 5 कंपनियां तो उन्होंने 600 मिलियन मास्क खरीदना है, तो कंपनियां वो मास्क 38 सेंट दे हिसाब नाल जिहड़ी सरकार नूं देणगीआं, जिस दे हिसाब नाल सरकार ने जिहड़ा 50 सेंट मास्क दा जिहड़ी कीमत फिक्स कीती सी, प्रॉपर फिक्स नहीं सी पर दिख रहे तो जिहड़ा आया सी उन्होंने कहा कि 50 सेंट दे हिसाब नाल तकरीबन मास्क जो आम पब्लिक नूं मिलेगा तो इस तो उपर ज़्यादा कोई भी मतलब मार्केट के बच्चे इस कीमत तो ज़्यादा नहीं बेचेगा, पर उन्होंने यह कहा कि कीमत उन्होंने खपत तो 10 गुणा दे करीब ज़्यादा लग रही है, जिनी उन्होंने खपत आई है जिनी जिन्ना उन्होंने खर्च होया उन्हें तो 10 गुणा ज़्यादा वो सरकार को लै रहे हैं। उन्होंने दसा कि कोरोना के कहर तो पहला एक मास्क की कीमत 8 सेंट सी, कोरोना के पहले हफ्ते ही यह कीमत बढ़ के 5 यूरो तक हो गई थी, पहला जो कोरोना का कहर नहीं है उस तो पहले इस एक मास्क की कीमत 8 सेंट सी, तो उस तो बाद एक हफ्ते में ही जो मास्क की कीमत है वो तकरीबन 5 यूरो के करीब गई चली सी, इसलिए सरकार ने यह कीमत हुण फिक्स की है जो कि इस तो ज़्यादा रेट से भी कोई भी नहीं बेच सकता, उसके खिलाफ जो कोई भी बेचूगा उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लास्ट में आर्कुरी ने कहा कि लोग 40 दिन सरकार नाल मिल के बहुत वधिया सहयोग दिता, भी लोगों ने बहुत वधिया सहयोग दिता 40 दिन जो सरकार ने कहा उन्होंने मनन की पूरी पूरी कोशिश की है, इस तरह असी कहते भी जी इस तरह ही चलता रहा तो आप गर्मी के एंड तो पहला जो गर्मी खत्म होनी उस तो पहला इस बीमारी तो छुटकारा पा लवेंगे। उस तो अगली खबर आई इटली दी है, बैंक ऑफ इटली के अर्थशास्त्र के अंकड़ा विभाग के मुखी योजीनियो ग्योटी ने दसिया कि साल 2019 कुछ मामलों में लगभग 6% की घाट आऊगी, जो पिछले 50 साल तो नहीं मतलब होगा वो इस बार होगा 2019 होगा जिन्ना उन्होंने घाटा पेगा। उन्होंने कहा कि 2021 इसका एक हिस्सा ही सानू हासिल होगा, यानी कि जिन्ना उन्होंने घाटा पैना उनका तकरीबन एक हिस्सा ही हासिल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2021 इसका एक हिस्सा ही सानू हासिल होगा, यह भी कहा कि GDP का जिहड़ा वी कर्व लैके एकदम उपर आउन दा बहुत औखा है, जी GDP है हुण डिगेगी उनका वी कर्व लैके यानी कि एकदम नीचे नूं जाके तो एकदम उपर नूं आउणा बहुत ज़्यादा औखा हो जूगा, इस करके भी वो एल कवर कर्व ते ना रह जाए यानी कि एक बार नीचे डिगे तो फिर नीचे ही ना रह जाए, तो वह कोशिश कर रहे हैं कि पूरी जिस तरह के यू कर्व लिया जा सके, यानी कि एक बार जी GDP है नीचे आऊगी फिर थोड़ी देर नीचे रहेगी फिर हौली हौली उपर उठना शुरू हो जाए, यानी कि उन्होंने कहते यू कर्व लै लेगी जी GDP यू कर्व लै लेगी, तो कोशिश कर रहे हैं। बाकी देखो परमात्मा सुख रखे जिन्नी भी जल्दी ये चीज़ सिचुएशन से मतलब हैंडल होगी उन्नी ही जल्दी जिहड़ा सारा जो भी अर्थशास्त्र वास्ते जो किसी भी सिचुएशन फिर ही मतलब अंडर कंट्रोल हो सकती है जदों जेकर इन उपर काबू पाया जाऊगा इस बीमारी के उपर। अगली खबर ऐप इम्यूनी सरकार ने कहा कि यह ऐप बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इस ऐप से भी बहुत वाद विवाद छिड़िया होया सी कि पता नहीं कि जो कि सेफली रहूगा भी जो क्योंकि हर जिन्हें भी ये ऐप डाउनलोड करनी है उन्होंने अपनी सारी डिटेल भी इन्हें मैनशन करनी पेगी अपना सारा बायोडाटा भी देना पेगा, तो इन्हें सरकार ने कहा भी ये ऐप बिल्कुल सेफ रहेगी तो सिर्फ वायरस के संक्रमण को रोकने वास्ते ही इसकी मतलब वरतों की जाऊगी, तो दिसंबर के अपने आप ही कैंसल कर दी जाऊगी, दिसंबर तो बाद ऐप का यूज़ नहीं होगा। ओके जी, जिवें तुहानूं पता सारी दुनिया में सरकारां नूं संक्रमण रोकण का जो भी रस्ता नज़र आता है वह है लॉकडाउन, जो सब तो इस टाइम ना तो वैक्सीन है ना तो कोई प्रॉपर मेडिसन हैगी है, इस करके सारे का यही है कि वह लॉकडाउन कर रहे हैं जिते भी ज़्यादा संक्रमण फैलता, पर इस लॉकडाउन नाल जीवन ते अर्थव्यवस्था का पहिया ठप्प करता, यानी एक पास जीवन भी ठप्प होया पे ते अर्थव्यवस्था भी हर पास जिहड़े भी देश दे विच ये संक्रमण फैलता उत्थे अर्थव्यवस्था भी एकदम ठप्प हुंदी जापदी है, तो इस नूं चलदे अलग अलग देशों दी सरकारां ने प्लान भी अलग अलग है, कुछ देशों में संक्रमण का पीरियड है जिहड़ा खत्म हुंदा लगता भी, क्यों कुछ देशों दे विच है जिहड़ा संक्रमण उन्होंने फैलन ही नहीं दिता तो उनका जिहड़ा पीरियड है वह खत्म हुंदा जांदा, जिवें कि नवें केस बहुत घट होंगे जापते हैं कई देशों के घटी जाते हैं या घट होंगे जो आने ही नहीं दिते उन्होंने जल्दी ही कवर कर लिया गया, जिमें कि न्यूजीलैंड जिथे कोरोना वायरस के 1500 तो घट मरीज है तो मरण वाले की गिनती सिर्फ 19 है, अपने वास्ते सिर्फ 19 है पर जितों जिन्हों के उन्होंने हिसाब से देखा जो मौत तो एक भी माड़ी है, पर उतों के जोड़े न्यूजीलैंड की जो मौत की गिनती है वह 19 है, जिथे तकरीबन बहुत कामों के नाल स्कूल भी खोलन की परमिशन दे दी है तो हौली हौली वो अपना जोड़ा रोज़मर्रा की जिंदगी है उन्होंने कंप्लीट अगे बढ़ा रहे हैं। अगे गल करिए बेलजियम की, बेलजियम एक नवी तकनीक जिसका नाम है
सोशल बबल, सोशल बबल का नाम है उस नवी तकनीक का, उन्होंने मतलब ये नाम दिता इसनों। इस विच कोई भी 10 लोग आपस में मिलजुल सकते हैं, 10 लोगों का एक ग्रुप बना देंगे भी, वो 10 ग्रुप जो ग्रुप बनाया 10 बंद का, वो आपस में जो मर्जी मिल सकते हैं, तो वीकेंड पर भी इकट्ठे होना तो हो सकते हैं। तो वह पर जिन्होंने उन्हें 10 जो एक ग्रुप बन चुका है, सोशल बबल्स का नाम दिता उन्होंने, जोड़ा वो ग्रुप बन चुका है, वह 10 लोग सिर्फ आपस ही एक दूजे को मिल सकते हैं, वो होर किसी को नहीं मिल सकते। ठीक है, ये भी एक तरीका है कि जोड़ा संक्रमण है भी घट फैले, जो एक बंद भी हो जाता तो उन्होंने 10 क्वारंटाइन कर दिया जाऊगा, तो बाकी जी लाइफ है अपना नॉर्मल दूजे लोग जीव सकते हैं। उस तो अगे गल करिए स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड लोगों ने वाल कटवाने की मतलब उत्तर परमिशन मिल गई, यानी कि हेयर कटिंग वाली शॉप्स खोलियां, पर उसे मास्क पाना जरूरी किया। हर देश कोई ना कोई रस्ता लगता पाया भी जिस नाल उन्होंने लॉकडाउन खोलन में सहायता मिल सके। यूके में तकरीबन 18,000 लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है, भी इस ड्यूटी का मतलब काम चल रहा भी उन्होंने दिखा सिखा रहे हैं भी किस तरह उन्होंने केड़े काम है। तकरीबन 18,000 मतलब उन्होंने सिलेक्ट किया बंदा भी, 18,000 बंद ने सिर्फ यही जानना भी जिथे कोई बंदा संक्रमित मिलता उन्होंने भी उन्होंने यही लभने बंदे लभने भी जोड़ा कोरोना वायरस न संक्रमित हो गया बंदा उन्होंने लभना भी वो ताकि होर जोड़ा है ये जोड़ा वायरस है इनू ना फैला सके, इनू रोकया जाए। यूके कुछ दिनों में ही 4 वड्डे हस्पताल बनाए गए हैं, वेंटीलेटर बनाने का काम भी उत्थे चल रहा, आप ही बना रहे उत्थे वेंटीलेटर भी बहुत मतलब ज़्यादा गिनती में उत्थे बनाए जा रहे हैं यूके। स्कूल उत्थे भावें बंद है पर फिर भी जो जरूरी सुविधावान काम करने वाले लोग है जिन्हें जरूरी काम जो चलते पे जिन्हें बिना नहीं सरदा गा, जहाँ डॉक्टर्स वाले हो गए या जिते मार्केट्स वाले हो गए जिन्हें जितों खाने पीने का समान मिलता, जे ऐसे मतलब जोड़े किते है जिन्हें जरूरी जिन्होंने बंद जमा नहीं कर सकते गए, उन्होंने जो बच्चे है वो स्कूल जा सकते हैं। स्कूल वैसे बंद है पर जो उन्होंने बच्चे है क्योंकि वो काम से जाने उन्होंने जरूरी है काम से जाना, तो उन्होंने बच्चे है जो स्कूल जा सकते हैं। दिन में एक बार घर के जोड़ा कोई नज़दीक मतलब बंदा घूम सकता है एक्सरसाइज कर सकता है, परमिशन हैगी है पर उन्होंने सोशल डिस्टेंस बनाना जरूरी है। यूके ये जो पाबंदियां लगी हुई हैं तो फिर भी लोग उत्थे बाहर कुछ ना कुछ हद तक उन्होंने सुखदा सा मिले हुआ है। अगे गल करिए पाकिस्तान की ओपोजिट पार्टी PPA के जोड़े चेयरमैन है बिलवाल भुट्टो बीमारी को रोकने के कार्यों में सरकार से सवाल कढ़ रहे हैं भी, उन्होंने इमरान खान की गल करते पे भी इमरान खान बारे कह के बीमारी न लड़न की बजाय वो राजनीति में आपका ज़्यादा ध्यान टका रहे हैं भी, उन्होंने कोशिश करना चाहिए कि बीमारी रोकने की किसी हिसाब न कोई भी प्रक्रिया कर, पर अपना जो ध्यान है राजनीति बाकी आप गल खोलते जो आप हूँ तक गल् सुनी हैं उन्होंने हिसाब न आपको भी कुछ पता कि जे अपने इमरान खान है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और बहुत ही यानी कि कोई भी उन्होंने जोड़े डिसीजन ले हाल तक कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं है जोड़े कि लोगों को लगे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन ले, बाकी हर कोई भी देश है उन पार्टीज होंगे सरकार जो राजनीतिक पार्टीज होंगे तो उन्होंने आपस कुछ मतभेद चलते रहेंगे कुछ इन्हों के भी होगा। हाँ जी उस अगे चलते हैं कोरोना वायरस की अपडेट बारे, पहला गल करते हैं इटली की। इटली 1,04,657 पेशेंट है जिन्हों का कि ट्रीटमेंट चल रहा है, कल जिन्हें पेशेंट से उन्होंने 548 पेशेंट है जोड़े कि माइनस हो चुके हैं, जिन्हों का कल ट्रीटमेंट चलता से उन्होंने 548 केस है जोड़े कि घट चुके हैं। उस तो बाद अगर गल करिए 27,682 है हूँ तक जी उत्त हुई 323 जी कि अज मौत हुई हैं, 71,252 उत्तर ठीक हुए हैं, 2311 जोड़े कि अज ठीक हुए हैं, 2,03,591 पेशेंट है जेडे कि हूँ तक उत्थे पाए गए डिटेक्ट हो इटली के अंदर जदों तो स्टार्ट होया बिगिनिंग तो 2,086 पेशेंट है जेडे कि अज आए हैं। हम गल करते हैं वर्ल्ड की अपडेट की, वर्ल्ड में हूँ तक टोटल 31,83,985 पेशेंट हो चुके हैं, 2,25,136 जिहड़ियां डैथां हो चुकी हैं, 9,86,314 पेशेंट है जेडे कि ठीक हो चुके हैं, 19,72,535 पेशेंट है जिन्हों का ट्रीटमेंट चल रहा है, उन्होंने 19,12,111 पेशेंट है जेडे कि माइल्ड कंडीशन है जिन्हों के कि ठीक होने के चांसिस ज़्यादा, 60,424 है जेडे कि क्रिटिकल कंडीशन के। उस तो बाद गल करिए कंट्रीवाइज गल करिए यूएसए की पहला आप गल करते हैं 10,46,426 पेशेंट हो चुके हैं, 10,661 पेशेंट अज आए हैं, 60,112 उत्थे मौत हो चुकी हैं, 846 मौत अज हुई हैं, 1,44,352 पेशेंट उत्थे ठीक हो चुके। स्पेन में 2,36,899 पेशेंट है,
4771 पेशेंट अज आए हैं, 24275 मौत हो चुकी हैं, 453 अज मौत हुई हैं, 132,000 929 पेशेंट है जिहड़े कि उत्थे ठीक हो चुके हैं। इटली दे विच 203,591 पेशेंट है, 2086 पेशेंट अज आए हैं, 27682 है जिहड़ी कि उत्थे मौत हो चुकी हैं, 323 मौत अज हुई हैं, 71252 उत्थे ठीक हो चुके हैं। फ्रांस की गल करिए ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ 165,911 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉੱਥੇ, 23,600 ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ 46,886 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 165,221 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, 4076 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੱਜ ਆਏ ਹੈ, 26,097 ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, 4491 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੈਨਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,60,479 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, 567 ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਹੈ, 6374 ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, 60 ਮੌਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ 1,20,400 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,373 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, 347 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, 2904 ਉੱਥੇ ਡੈਥਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, 45 ਡੈਥਾਂ ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ 19,886 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 31,787 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, 463 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਏ ਉੱਥੇ, 1,008 ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ABP ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 71 ਡੈਥਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਅਤੇ 7796 ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,299 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, 677 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਏ ਉੱਥੇ, 335 ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, 23 ਮੌਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ 3425 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦੱਬ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ।